मोइदा और वांगरा के बीच मुख्य मार्ग पर स्थित पुलिया हुआ क्षतिग्रस्त। ग्रामीणों ने बड़े पुलिया बनाने की मांग की। पानसेमल जनपद क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम मोइदा और वांगरा के बीच चलिया के निकट बना पुलिया क्षतिग्रस्त होने से किसानों ने बड़े पुलिया निर्माण की मांग की। आसपास के रहवासियों ने बताया कि यह पुलिया मुख्य मार्ग पर स्थित है। यहाँ पानी अधिक आने से किनारे से लगे खेतों को नुकसान पहुँचता है। पूर्व में भी ग्रामीणों ने यह मांग उठाई थी, लेकिन पुलिया निर्माण निर्धारित एस्टिमेट के आधार पर हुआ। मंगलवार को ही झमाझम वर्षा से अधिक तेज बहाव के कारण पुलिया क्षतिग्रस्त हुआ और बुधवार को पुलिया के आसपास जमे कचरे को जेसीबी की सहायता से हटाया गया। कुछ समय तक दोनों ओर से वाहनों की कतार लगी नजर आई। पानसेमल से सावन भंडारी। नाम लाल सिंह मोरे है, मैं मोइदा का मूल निवासी है। ग्राम मोइदा और चिचलिया के बीच जो पुलिया 2000 में बना था चंद्र सिंह चौहान के नेतृत्व में, वह अभी पानी के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है। इस पुलिया के कारण मतलब आवागमन इतना है इस पुलिया के ऊपर कि महाराष्ट्र तक ये रास्ता जाता है। 4 से गांव जुड़े हुए हैं आगे और 15 से 20 किसानों को पानी बरसात में ये खेत में पानी जाता है तो काफ़ी नुकसान होता है। हमारी ये मांग है सरकार से कि ये पुलिया जल्दी से जल्दी निर्माण हो। पुलिया को बढ़ाना है या ऐसे कैसे ही बनाना है? बढ़ाना है इसको, व्यवस्थित आगे से बढ़ाना है और चौड़ा करना है, बारी वाला बनाना है और आवागमन सुगम हो ऐसा बनाना है। सर रंजित परमार नाम है मेरा, चिचलिया निवासी। और हमारे गांव में हमने 2-1 बार हमने कर्मचारी और कोई विभाग में भी जाके दिए थे आवेदन, और यहाँ पे 15-20 किसान की जमीन और बहुत नुकसान होता था, इसलिए हमने 4-5 बार हमने कोई बढ़वानी भी जाके देख दिए थे PMW में भी, और यह आवेदन उसके बाद में भी काम निर्माण नहीं हुआ। अभी भी क्षतिग्रस्त हो चुका है तो बहुत सारे लोगों को परेशानी है आने जाने में। ये रोड है महाराष्ट्र और MP से ये अपना रोड बना हुआ है तो बहुत कुछ लोग आते हैं यहाँ से, तो अभी भी परेशानी बहुत लोग भाग उठा रहे हैं। खेतों में भी बहुत नुकसान हो रहा है।